मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम लोगों की कक्षा में संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। तुम लोग जानते ही हो कि यह भाषा कितनी कठिन है, फिर भी हमें इसे सही सही पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह पढ़ने आ जाएगा तब हमारे मन में बहुत आनंद आएगा। कोशिश करने से दुनिया के कोई भी काम कठिन से सरल हो जाते हैं। अब तुम लोग अपनी अपनी किताबें अपने अपने सामने रख लो और फिर मैं जैसे पढ़ता हूँ वैसे पढ़ने की चेष्टा करें। संस्कृत के श्लोक भी दिए गए हैं और उनके अर्थ भी दिए गए हैं, पढ़कर ही समझ सकते हो। बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर जो है वरदान मांग रहे हैं इसमें, और प्रस्तुत प्रार्थना में बच्चे जो है हमें ये बताने कि सभी जगह माता पिता हमारे जो परिवार के हैं और जो हमारे गुरु हैं इनकी विशेषता का वर्णन किया है, और भगवान जिसने हम सभी चीज़ों को बनाया है उनसे हमारा संबंध स्थापित किया है। इस दुनिया के सब कुछ करने वाले भगवान हैं, वह हमारे सब कुछ हैं, उनसे हर संबंध से हमारा संबंध स्थापित है। और हमारे माता पिता जो है वह जो है सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सब देव के समान है, इसमें बच्चों ने जो है बनाया है। बच्चों का कहना है कि मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य जो ऋषि देव भव, उनका कहना है कि माता देव के समान है, देवता के समान है, पिता भी देवता के समान है और गुरु भी जो है देवता के समान होते हैं। यह विचार हमें सबको समझना चाहिए। इसलिए हमें अपने घरों पर रहते हुए अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। पढ़ने लिखने ही से सब कुछ नहीं होता है, यह कुछ जो है आचरण सीखना पड़ता है। मनुष्य को ये सब बातें कहीं दूर जाकर नहीं अपने परिवार में ही सीखना पड़ता है। इसके बाद यह बच्चा जो है भगवान को ही सब कुछ मानता है। हे भगवान, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आपके साथ हमारा संबंध है, इसलिए कि आपने हमको जन्म दिया। जन्म से मरण पर्यंत तक दुनिया की सारी चीज़ें हमारे लिए प्रदत्त किए हैं, हमारे लिए प्रदान किए हैं, इसलिए ये सब कुछ देने वाला ही हमारे सत संबंधी है। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम ममम देव देव। ठीक है, श्लोक के द्वारा इसके अर्थ यही हुए कि आप ही हमारे माता पिता हैं। भगवान, आप सब कुछ दिए हैं, आप हमारे माता पिता के समान हैं, आप ही हमारे बंधु और सखा मित्र सब हैं, आप ही हमारे धन संपत्ति हैं, सब कुछ आप देने वाले हैं, देनेवार हैं, तो आप ही सब कुछ हैं, आप ही हमारे सभी देवों के देव हैं। यानी दुनिया की सारी वस्तुएं, सारा ज्ञान, सभी जो है आचरण, सभी सद्गुण, सभी सुख, सब कुछ किसी का और सभी वस्तुओं को प्रदान करने वाले आप हैं, इसलिए हमारे सब कुछ आप हैं। यह सोचता हुआ बच्चा जो है अपने असलों को दे रहा, अपनी आत्मा को शांति दे रहा है। यही कहकर मैं करता हूँ, धन्यवाद। छोटा है, चल रहा।